पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश सरोज ने ठेकवा बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। उमेश सरोज ने कहा, भाजपा सरकार में लगातार पेट्रोल और डीजल सहित हर चीज महंगी हो रही है, जिससे आम आदमी का जीवन जीना बेहाल हो गया है। नमस्कार, मैं मित्र सरोज यादव देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। मैं इस समय जौनपुर आजमगढ़ हाईवे पे हूँ। देख रहे हैं कुछ कांग्रेस पार्टी वाले यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पूरा आक्रोश है कांग्रेस पार्टी लेकर, पूरा भाजपा सरकार की जो महंगाई को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल के लेकर डीजल जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे पास मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जिला आजमगढ़ के लालगंज विधानसभा के हैं, उमेश सरोज हमारे साथ मौजूद है। क्या आप लोग इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या कर रहे हैं? हम सारे युवा मिल करके कांग्रेस को लाने की ठान चुके हैं। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। आप आए पेट्रोल टंकी पे, यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है? पेट्रोल डीजल के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं लालगंज में। आज धरना प्रदर्शन 12 बजे है और हम लोगों के पास इस समय टाइम नहीं, हम लोग बहुत जल्द वहाँ पहुँचना है। लगातार देख रहे हैं कि जो महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ थे उमेश सरोज। किस मुद्दे पर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या धरना प्रदर्शन? महंगाई और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए हैं हम लोग। डीएम साहब के सामने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हम लोग महंगाई और उत्पीड़न के खिलाफ है। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, कांग्रेस को लाना है, देश को बचाना है। देख रहे हैं कि भारी बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद आप लोग टिके हैं, डटे हुए हैं। कुछ नहीं, आप बारिश और गर्मी नहीं देखना है तो हाँ। आप हमको देश के बारे में सोचना है, हम लोगों को मेहनत करना है, आप हम लोगों को मेहनत करना है, भाजपा मुक्त देश बनाना है, प्रियंका गांधी बचाना है। महंगाई के खिलाफ आवाज है और यह महंगाई तब कम होगी जब कांग्रेस सरकार आएगी। भाजपा के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस महंगाई पर।